नेक्स्ट कॉलर है रविंदर चौरसिया जी हमारे साथ छतरपुर से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी रविंदर जी, आपका सवाल क्या है? पेट साफ नहीं होता ठीक से। कब से दिक्कत है ये आपको? दो तीन महीने से। एज क्या है आपकी? 70-72 साल जी। देखिए पेट का तो मरीज इस उम्र में आदमी हो ही जाता है अगर उसको जानकारी कम हो तो। रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप याद रखें कि आपको पेट ठीक रखना है अगर स्वस्थ जीवन चाहिए। और मैं बहुत ये नुस्खा जहाँ तक भी मेरा पहुँचा उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा, आप भी लिख लीजिए। देखिए मेथी 500 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। मेथी आपके किचन में जो अक्सर रहती है वरना सस्ती आती है, आधा किलो यानी 500 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और इसमें जैतून का नमक आता है, एक नमक जिसे हम आसान जबान में नमक जैतून कहते हैं और हिंदी में नमक हिंदी में रसायन जैतून कहते हैं और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं। ये 100-150 ग्राम से मिलाकर पाउडर बनाएं घर पर और आधे से एक चम्मच दिन में दो बार ले सकते हैं। जिस दिन से आप इसका प्रयोग शुरू करें आपको उसी दिन से फ़ायदा नज़र आने लगता है और ये ख़त्म होते होते आप रोग मुक्त हो सकते हैं जी। लखनऊ से अगली कॉलर है सविता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हकीम सा जी नमस्ते। सविता जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी नमस्ते नमस्ते। जी जी नमस्कार, बोलिए सवाल करिए। जी आदाब। जी हमने आपसे पहले भी बात किया था, गले के लिए पूछा था तो समझ नहीं पाए थे। तो असल मेरी एज 51 साल है और मतलब गले में कभी कभी कांटे जैसे चुभते हैं, कभी मतलब वैसे डॉक्टर को दिखाया था तो उन्हें एलर्जी बताया, किसी ने सूजन बताया, वो ठीक नहीं हो रहा मतलब लंबे टाइम से है। और हमको घुटने में भी दिक्कत है और जैसे गर्म दवाइयां लेते हैं तो पैर की दिक्कत हो जाती है जी। कितनी शांति से आपने समझा दिया सारा रोग। ऐसे लोग बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना टीवी की आवाज़ आई, ना शोहर की आवाज़ आई, ना बीवी की आवाज़ आई, वो पूरा रोग हम समझ गए। अच्छा देखिए एलर्जी है, सूजन को भी एलर्जी कहते हैं और कुछ खराश या दाने दाने हो जाए ये भी एलर्जी है। तो इसके लिए आप देखिए बड़ा अच्छा आसान नुस्खा है, अलसी 300 ग्राम, मेथी 300 ग्राम और कॉर्न मोरिंगा 150 ग्राम। कॉर्न मोरिंगा सफ़ेद, ये लाल वाला भी मिलता है, ये नहीं लेना, ये नकली होता है। और इसका पाउडर घर पे बनाए, तीनों को रॉ मटेरियल लाएँ यानी बगैर पिसा, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम यानी 3-4 ग्राम एक छोटा चाय का चम्मच खाएं और गर्म पानी में मिला के खाएँ या तो या गर्म पानी पिए बाद में। ये चिपकता है थोड़ा और ये जो मैंने आपको मटेरियल 700 ग्राम के करीब बताया 750 ग्राम, ये ख़त्म होने से पहले आपकी एलर्जी, आपकी एसिडिटी, आपका कब्ज, आपकी बवासीर, जो भी ये पेट से रोग, पेट का रोग या गले का रोग या एलर्जी का रोग ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे सविता जी, अब आपने सारी बातें नोट डाउन जरूर कर ली होगी। देखिए दर्शकों तभी तो आप लोगों से कहा जाता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम को सुनिए, बहुत गौर से आप लोग हर एक बात को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब तो आप सभी के साथ जुड़ते हैं लेकिन जब आप लोग शिकायत करते हैं कि लाइव उनसे बात नहीं हो पा रही है, हमारी लाइव बात करा दीजिए, तो आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगा दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। नथुराम जी स्वागत है आपका। जी हमें बाबा सिर की शिकायत है इसलिए दवा पूछना चाहते हैं। कब से दिक्कत है ये? मुतकदिन से है जी, 2-4-10 साल से। आपकी एज क्या है? हमारी 60 वर्ष है जी। ठीक है। अच्छा खूनी बवासीर है या बादी? खूनी खूनी। ठीक है, देखिए ये बताना जरूरी है कौन सी बवासीर है। और आपका नाम तो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में बहुत लेता है कि
मूछें हो तो आप जैसी। तो देखिए, एक तो खाने पीने पर तवज्जो दें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे कब्ज हो जाए, ठीक है। और देखिए, लिख लीजिए, पेन और कॉपी आपके पास है तो लिख लीजिए, लाजवंती एक दवा का नाम है, रसवंती एक दवा का नाम है। लाजवंती, रसवंती, कत्था सफ़ेद, ये जो पान वाला कत्था लगाता है ना, ये सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद, लाजवंती, रसवंती, कत्था सफ़ेद और गौन मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको आप 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और मटर की बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी गोलियां बनाएं, मटर या चने के बराबर, और एक एक गोली सुबह शाम खाएं, एक कप दूध से या पानी से लेना शुरू करें, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी बवासीर को ख़त्म होना चाहिए जी। नेक्स्ट कॉलर है आगरा से, पुष्पा गुप्ता हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, आगरा ब्रेड जी से बात करवा दीजिए। बात कर रहे हैं आप, सवाल करिए जी। पुष्पा जी, आदाब। मेरा सवाल ये है, मेरी एज 78 है और मुझे पेट की बहुत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की जो है, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है, और कुछ कहना हो तो आवाज़ बुलंद करके बात करिए। हाँ, मैं पुष्पा गुप्ता हूँ। पुष्पा गुप्ता आप बोल रही हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, 69 साल आपकी उम्र है, और कुछ कहना है? तो मेरी वैद्य से बात करवाइए ना। मैं ही तो बात कर रहा हूँ, ये वैद्य नहीं है, ये तो एंकर है। मैं आपसे वैद्य बात कर रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ फीमेल जैसी तो नहीं है? आप मेरी आवाज पहचान रही हैं? तो देखिए, साथ में आपको कानों की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे एक ऐसा नुस्खा बताना चाहिए कि जो आपकी इस सुनने की शक्ति भी बढ़ा दे। और देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा इस उम्र में आप इस्तेमाल कर लें, ताकि आखिरी सांस तक आपका सब कुछ ठीक रहे। और मेथी का मैं जिक्र करता हूँ, मेथी दाना आपके किचन में होता है, आप इतनी उम्र की हैं कि बहुत रेस्पेक्ट है, मेथी दाना समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। आधा किलो लीजिए मेथी दाना, आधा किलो मेथी दाना, और देखिए एक आता है रसायन जैतून, जैतून का रसायन, या नमक जैतून भी कहते हैं या एस्टेक जैतून कहते हैं, इसमें 100-150 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ उपयोग करें, आप देखेंगे पहले दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा। ये आपके कानों की भी खबर लेगा, ये आपके पेट की भी खबर लेगा, ये कब्ज भी तोड़ेगा, बवासीर को तोड़ेगा, और आपके लीवर का भी ख्याल रखेगा, आपकी इन्फेक्शन का भी ख्याल रखेगा, आपकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए जी। अगली कॉलर है संतोष हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार संतोष जी, अभी आपकी बात हुई थी ना? हाँ हुई थी, मेरी पूरी बात तो आपने नहीं बताई ना, वो मेरे पैसे के लिए तो आपने बता दिया, एक मुझे वेट कम करना उसका नहीं पता, और एक मैंने खत्म मेरे हस्बैंड को अस्थमा भी है, उसके लिए बताना था, जी ने वो कुछ भी नहीं बताया जी। अच्छा, दोबारा से सवाल कर दीजिए, इन्होंने आपके सवाल काट दिया और किसी और की बात ले ली थी, हालांकि फिर भी मैंने कोशिश की देने की। अभी आपको कौन सा सवाल रह गया? ये मेरे हस्बैंड को अस्थमा भी है और प्रोस्टेट भी है, तो जैतून का सिरका तो नहीं दे सकते ना उनको अस्थमा के कारण, तो उनको क्या देना चाहिए? ठीक है ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खातून है, नाराजगी कम है आपकी, जबकि हमारी गलती है, आपको तो इनको नाराज़ होकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना चाहिए था। देखिए, उनको नहीं दे सकते, और अस्थमा के लिए उनको आपको देना है माजून आर केयर, सुबह और शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से, और गर्म पानी खूब पिलाया कीजिए, इनको खट्टी चीज़ों से बचा लीजिए, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, और 5-6 महीने लगातार इलाज करें। और प्रोस्टेट के लिए जैतून का सिरका नहीं, जैतून का नमक आता है, जैतून का नमक आता है,
वो एक दो चुटकी, ये चुटकी है पानी में मिला के रोज़ाना एक बार पिला दिया करें, बस काफ़ी है। इनका प्रोस्टेट भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा और अस्थमा भी ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, इनका एक सवाल ये भी था मोटापे को लेके, मोटापे को कैसे कम किया जाए? देखिए मोटापा भी नियत से ठीक होता है। अगर हम ये करेंगे कि मोटापा वाकई ठीक करना है तो हम पैदल भी चलेंगे एक घंटा और कैलोरीज का भी परहेज करेंगे। मोटापा बगैर दवा के भी कम हो सकता है अगर हम नियत पूरी कर लें। देखिए गर्म पानी पिए, जितना भोजन करते हैं उससे आधा करने लगें, एक घंटा पैदल चलें तो इससे भी मोटापा कम होता है। और अगर आपको दवा चाहिए तो जैतून का नमक 1 ग्राम से आधा ग्राम तक गर्म पानी में मिलाएं और 1 या 2 लींबू निचोड़ के दिन में 1-2 बार पिएं, और वो सब भी फॉलो करें जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि पैदल भी चलें, खुराक भी कम कर दें, कैलरी चर्बी भी कम कर दें और वॉक भी करें, धूप में भी चलें, इससे भी वजन कम होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं राजस्थान से, रूप कुमारी शर्मा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ जी बोलिए जी। मुझे एक तो उसकी प्रॉब्लम है सांस की। किसकी? सांस की अस्थमा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और एक इसमें मतलब जैसे गठिया भी है मेरा, क्या पेट फूलता है डेली, जैसे खाना खाने के पहले भी फूलता है और फिर खाना खाने के बाद भी फूलता है। 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती हूँ और कुछ भी खाती हूँ तो पेट पेट फूलने की समस्या, और इसके साथ ही अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। हल्की सी खांसी आती है, तो इसका इलाज बताइए। ठीक है बेटा, देखो एक एक करके इलाज करो तो अच्छा है। अगर पेट का इलाज करना है तो मैं दोनों नुस्खे बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो लिखने की समझने की तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपने फीमेल डॉक्टर भी रहते हैं, तो फीमेल डॉक्टर को बताने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। तो देखिए अगर पेट की समस्या है और उसके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, अस्थमा में बहुत फ़ायदा करता है, 500 ग्राम मेथी और 200 ग्राम लिसोड़ा और 100 ग्राम जैतून का नमक, इन सबको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खाएं। ठंडा पानी छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, 1 घंटा धूप में चलें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो आपको परहेज़ बताए गए हैं उन पर गौर कीजिएगा, परहेज़ ज़रूर कीजिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी बात सुनने से दर्शकों चूक जाते हैं या फिर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ मीना जी हैं अम्बाला से, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी बोलिए। मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ जी ठीक है, बिना हमारा बोल रही हूँ। सवाल बताइए। मेरा पेट ना वो फूलता जा रहा है, पता नहीं क्यों। आपका जब खाना खाते हैं तब ज्यादा फूल जाता है। ठीक है, एज कितनी है आपकी? हाँ जी आपकी उम्र बता देंगे? 62 साल। ठीक है। अच्छा देखिए पेट और वेट इस उम्र में कम होना चाहिए स्वास्थ्य आदमी का भी, तो अगर आप चल फिर सकते हैं तो 1 घंटा पैदल चला करिए, चल नहीं सकते तो धूप में बैठ जाया करिए 1 घंटा। ठीक है, गर्म पानी बार बार पीजिए, जितना भी गर्म आप पी सकते हैं, इससे भी पेट कम हो जाता है। भोजन तो आपका कम होगा ही, अगर ज़्यादा लगता है आपको भोजन तो उससे आधा कर दीजिए, इससे भी आप फायदे में हो सकते हैं। और अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो नमक जैतून 1.5 ग्राम के करीब पानी में मिलाएं, जैतून का नमक आता है रसायन जैतून कहते हैं इसे, और उसमें 1 लींबू निचोड़ के और वो पानी रोज़ाना दिन में 2 बार पिया करें, आपका शरीर आपके स्वभाव के मुताबिक होना मुमकिन है। जी।